हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपको बताने वाली हूँ, ये मैं किमोनो जैकेट पे ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। तो ये जैकेट जो है ये 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए है। तो ये देखिए, ये थोड़ा अलग तरह से है, ये वाला जैकेट जो है, और ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक है इस तरह से। तो आज इस पे मैं दूंगी ट्यूटोरियल आपको। और ये जैकेट जो है ये बड़ी अलग तरह की है, और ये स्टार्ट होती है बाजू से और 2 पार्ट्स में बनती है। देखिए, ये 2 पार्ट्स में है, यहाँ पे बैक से ये इसकी ज्वाइन होता है, ये ज्वाइन हमने लगाया हुआ है, और ये बाजू से स्टार्ट होती है। तो इसमें बाजू और फ्रंट का एक पल्ला और हाफ बैक, ये देखिए यहाँ पे हाफ बैक ये पोर्शन बनता है, इसी तरह दूसरा पोर्शन बनता है, 2 पोर्शन में ये पूरी जैकेट बनती है, और फिर इसको हम बैक में जॉइंट देके इसको फिर बनाते हैं। और इस जो जैकेट को बनाने के लिए वूल जो लगी है वो लगी है 110 ग्राम के आसपास, 110 से ज़्यादा नहीं लगेगी, 110 115 आप रख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। और 2 बटन्स लगे हैं, एक ये हमने ऐसे ही थोड़ा सा इसकी डेकोरेट करने को लगाया है, और ये दूसरा बटन जो है ये इसका, ये देखिए ये बटन होल की जगह पे ये लूप बनाई है मैंने, और ये फिर बंद करने के लिए है। तो ये एक ड्रेस मैं बताने वाली हूँ आपको, उसका एक पार्ट है, उसमें ये ऊपर का जो पार्ट है वो जैकेट है, इसके नीचे का पार्ट मैं बहुत जल्दी कवर करने वाली हूँ। तो पहले मैंने जो है वो जैकेट बनाई है, वो उसका मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने आपको बता दिया, और इसको मैंने सारा मैं बताऊँगी कि किस तरह हमने बनानी है। और ये मैंने आपको बता दी कि ये स्लीव से शुरू होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं किमोनो जैकेट या किमोनो जो स्वेटर है वो बना रही हूँ, इसमें मैंने क्या किया है मैं आपको बता दूँ। पहले ये 2 पोर्शन में बनेगा, और इसमें मैंने ये देखिए जो आप देख रहे हैं, जो एक पोर्शन ये है, इसमें नीचे मैंने 61 फंदे डाले हैं, 61 फंदे मैंने डाले हैं, और 8 सिलाइयाँ मैंने एक सीधी एक उल्टी स्टॉकिंग नेट स्टिच में बुनी हुई है, ये इस तरह से एक सीधी और एक उल्टी करके 8 सिलाइयाँ मैंने ऐसे 11 नंबर की सिलाइयों पे ये स्टॉकिंग नेट स्टिच में बुनी हुई हैं। फिर इसके बाद मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ऊपर के पैटर्न के लिए चेंज करी थी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पैटर्न कैसे हमने डालना है जो इस जैकेट में डल रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़े से, और ये जो पैटर्न है ये ऊपर वाला, ये एडजस्ट होता है मल्टीपल ऑफ 4+1, 4 का गुणा जमा 1 फंदों पर ये बनता है। तो मैंने इसमें जो है वो 61 फंदे डाले हैं, जो कि 20 × 4 का हुआ और जमा 1, तो 20 × 4 = 60 और जमा 1 फंदे ये नीचे मैंने डाले हुए हैं। तो अब ये पैटर्न हम किस तरह बुनेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ छोटे से सैंपल पे। तो देखिए, ये मैंने 11 नंबर की सिलाइयों पे ये मैंने डाले हैं, सोलह फंदे जमा 1, 4 × 4 = 1 फंदे मैंने ये डाले हैं, 17 फंदे। तो अब इसमें मैंने 11 नंबर की सिलाइयों से ये जैसे नीचे देखिए मैंने एक सीधा और एक उल्टे की सिलाई डाल दी है, जिसको स्टॉकिनेट स्टिच या स्टॉकिंग स्टिच बोलते हैं। तो ये मैंने इतना 8 सिलाइयाँ ये बुनती हैं। अब 9वीं सिलाई हम ये पैटर्न शुरू करेंगे और 10 नंबर की सिलाइयाँ चेंज करेंगे। अब पैटर्न डालते हैं, तो अब 10 नंबर की सिलाई यूज़ करूँगी मैं। तो इसमें हमने क्या करना है, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, ये 3 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, पूरी सिलाई इस तरह बुननी है लास्ट के 1 फंदे तक। तो जो 1 फंदा बचेगा उसे हमने सीधा बुनना है, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे,
और फिर एक फंदा बचा है, इसको हमने सीधा बुनना है। तो ये थी हमारी पहली सिलाई पैटर्न वाली, जो ऊपर ये है जो स्टॉकिनेट स्टिच, जो एक सीधे एक उल्टे का जो हमने बुना था, इसके ऊपर जो बुना है वो अब आपको बता रही हूँ। तो ये फिर पहली सिलाई होगी, और दूसरी सिलाई में उल्टे फंदे को उल्टा बुनना है, सीधे फंदे को सीधा बुनना है। उल्टी साइड में हमने इस तरह दूसरी सिलाई बुननी है। तो एक फंदा उल्टा, तीन सीधे, फिर उल्टा, फिर तीन सीधे, फिर उल्टा, तीन सीधे, फिर उल्टा, तीन सीधे, और लास्ट का जो एक फंदा है इसको हमने उल्टा बुनना है। तो ये दूसरी सिलाई डल गई। अब तीसरी सिलाई वैसे ही डालेंगे जैसे हमने पहली बुनी थी। तो ये एक सीधा, तीन उल्टे, और फिर लास्ट में एक सीधा। अब डाल रही हूँ चौथी सिलाई। तो चौथी सिलाई हमने वैसे बुननी है जैसे हमने दूसरी सिलाई बुनी थी। तो जो इसमें है पहली, तीसरी और पांचवी सिलाई जो है वो एक जैसी है जैसे पहले बुनी थी। तो पांचवी और जो हमारी तीसरी और पांचवी सिलाई है वो हम बुनेंगे पहली सिलाई की तरह, और चौथी और छठी सिलाई जो बुनेंगे वो बुनेंगे दूसरी सिलाई की तरह। तो अब बुन रही हूँ मैं चौथी सिलाई, एक फंदा उल्टा, तीन सीधे। एक फंदा उल्टा, तीन सीधे, एक फंदा उल्टा, तीन सीधे, और लास्ट में एक फंदा बचेगा उसे हमने उल्टा बुनना है। तो ये एक फंदा उल्टा। तो ये होगी हमारी चौथी सिलाई। अब डालूंगी मैं पांचवी सिलाई। तो पांचवी सिलाई फिर वैसे ही जैसे पहली बुनी थी, एक फंदा सीधा, तीन उल्टे। सारी सिलाई हमने इस तरह ही बुननी है, लास्ट में एक फंदा बचेगा उसे हमने सीधा बुनना है। तो एक फंदा सीधा, तीन उल्टे। एक फंदा सीधा, तीन उल्टे, फिर लास्ट में एक फंदा सीधा। तो ये पांचवी डालने के बाद अब डालेंगे हम छठी सिलाई। तो छठी सिलाई वैसे बुननी है जैसे दूसरी सिलाई हमने बुनी थी, एक फंदा उल्टा, तीन सीधे, या उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ये एक फंदा उल्टा, तीन सीधे। और लास्ट में एक फंदा हमारा बचेगा उसे हमने उल्टा बुनना है। तो ये छह सिलाइयाँ डल गई। ये आठ सिलाइयों का पैटर्न है, तो इसमें ये छह डाल दी। अब सातवीं सिलाई हमने देखी किस तरह डालनी है। तो सातवीं सिलाई पूरी हमने पर्ल करनी है, उल्टी बुननी है। तो सातवीं सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे। तो ये सातवीं सिलाई पूरी उल्टी बुन दी। अब देखिए आठवीं सिलाई हम किस तरह बुनेंगे। अब आप ध्यान से देखना कि आठवीं सिलाई में हमने पहला फंदा सीधा बुनना है, जैसे पहली सिलाई हमने बुनी थी वैसे बुनेंगे। तो ये पहला फंदा सीधा बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे।
फिर सीधा, फिर तीन उल्टे। फिर सीधा और तीन उल्टे, लास्ट में एक फंदा बचा है उसे हमने सीधा बुनना है। तो ये हमारी 8 सिलाइयाँ डल गई हैं। यही 8 सिलाइयाँ जो हैं वो हमने बार बार रिपीट करनी है। तो ये जो नीचे हमने प्लेन 8 सिलाइयाँ बुनी थी, इनको 11 नंबर की सिलाइयों पे बुनना है, और ऊपर का जो ये वाला पोर्शन बुनना है, ये बुनना है 10 नंबर की सिलाइयों पे, और ये 8 सिलाइयों का पैटर्न है, और यही हमने बार बार रिपीट करनी है जब तक कि इसकी हमारी लेंथ जो है वो 8.5 इंच ना हो जाए। यहाँ से ये जो रोल हो जाएगा, ये रोल ही होने देना है, इसीलिए हमने इस तरह बनाया हुआ है। तो यहाँ से अब जब हम नापेंगे तो 8.5 इंच ये बनाकर 61 फंदों पे हमने इस तरह बनाना है। तो ये देखिए, मैंने 61 फंदों पे ये पूरा इस तरह बनाया है, और ये जो मेरी लेंथ है ये 8.5 इंच हो चुकी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने पहले, अब जो ये सिलाई नेक्स्ट मैं बुनूंगी, तो ये यहाँ तक 8.5 इंच खत्म हो गया, जहाँ पे हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट होता है वहाँ तक इसके 8.5 इंच बन गए हैं। अब फिर से हम पैटर्न ही स्टार्ट की पहली सिलाई से शुरू करेंगे। तो इससे पहले हमने क्या करना है कि इस सिलाई के स्टार्टिंग में हमने 26 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो या तो 26 फंदे आप इस तरह कास्ट ऑन करिए, इस तरह डालकर, इस तरह जैसे हम करते हैं इस तरह डालेंगे, या मैंने आपको एक तरीका और बताया था क्रोशिए से डालने का। तो फिर हम 26 फंदे जो हैं वो, ये देखिए, यहाँ से जो पहला फंदा है इसके नीचे से क्रोशिया हुक डालूंगी मैं और एक लूप निकाल लूंगी। अब मैंने 26 फंदे जो हैं वो मैंने, जैसे आपको ये मैंने मेथड क्रोशिया से फंदे डालने का बताया था, तो इस तरह मैं 26 फंदे मैं डालती जाऊंगी। ये एक, दो, तीन, बस इस तरह मैं 26 फंदे जो है वो डाल दूंगी। तो ये 24 मैंने डाल दिए, अब ये मैं डाल रही हूँ 25वां फंदा। ये 25वां, और ये फिर लास्ट का मैं ऐसे एक चेन डाल के, ये चेन लेके इसको फिर मैं सिलाई पे फिर डाल दूंगी। तो ये मैंने 26 फंदे इस साइड मैंने बढ़ा दिए। अब इसको हमने किस तरह आगे बुनना है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, हम पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। जैसे हमने पैटर्न की पहली सिलाई डाली थी वैसे ही बुनना है, पर स्टार्ट हम करेंगे 2 उल्टे फंदों से, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। फिर एक सीधा, 3 फंदे उल्टे। फिर एक सीधा, 3 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई हमने इस तरह डालनी है। फिर एक फंदा सीधा,
और तीन फंदे उल्टे। फिर अब हम देखिए वहां पे पहुंच गए हैं जहां से हमारा पहले पैटर्न चला था। तो ये हमने तीन फंदे उल्टे बुन दिए, अगला फंदा फिर जैसे हम सीधा बुन रहे थे वैसे सीधा बुनेंगे और फिर तीन फंदे उल्टे, और पूरी सिलाई हम इस तरह एंड तक बुनेंगे। फिर मैं उसके बाद ये पूरी सिलाई करके आपको बताती हूँ कि आगे हमने किस तरह बनाना है। तो देखिए बुनते बुनते एंड में मैं पहुंची हूँ इस सिलाई के। तो ये फिर हम करेंगे एक फंदा सीधा, तीन उल्टे, और लास्ट में एक फंदा बचेगा उसे हमने फिर सीधा बुनना है। तो ये पहली जैसे पैटर्न की सिलाई थी वैसे मैंने डाली। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इस तरफ भी फंदे बढ़ाने हैं, वैसे ही इस तरफ मैंने 26 बढ़ाए थे, इस तरफ मैं 24 बढ़ाऊंगी। वो थोड़ा पैटर्न सेट करने के लिए दो उस तरफ ज़्यादा बढ़ाए और इस तरफ हम 24 बढ़ाएंगे। तो फिर से मैं वैसे ही क्रोशिया की हेल्प से जैसे मैंने आपको बताया, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको उंगली में धागा लपेट के भी बताया था, और चाहे तो आप ऐसे क्रोशिया से फिर बढ़ा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही क्रोशिया से फिर यहाँ पे मैं 24 फंदे जो है वो इस साइड डालूंगी। तो ये 24 फंदे आपको डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने फिर कैसे बनाना है। तो ये जैसे एक फंदा, फिर दूसरा फंदा, तो इस साइड मैंने फिर 24 फंदे फिर से डाल दिए हैं दूसरी साइड भी। तो अब इसमें हमने सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे। अब ये उल्टी सिलाई है तो उल्टी सिलाई हमने किस तरह बुननी है कि पहला फंदा हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, फिर फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे, फिर उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे। फिर उल्टा, फिर फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे, फिर उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे, फिर उल्टा और फिर तीन फंदे सीधे, फिर उल्टा। तो पूरी सिलाई हमने इस तरह बुननी है, उल्टा और तीन फंदे सीधे। तो ये पूरी सिलाई हमने यहाँ एंड तक इस तरह बुननी है, और लास्ट में फिर दो फंदे सीधे आएंगे बचेंगे, एक उल्टा और फिर दो फंदे सीधे। जो लास्ट में एक उल्टा तक हम बुनेंगे तो ये जो दो फंदे हैं ये सीधे ही चलेंगे। तो ये पूरी सिलाई इस तरह बुनेंगे हम पैटर्न की, और ये दूसरी सिलाई डल रही है। तो हमने फिर बस ऐसे ही पैटर्न कंटिन्यू करना है। बस हमने जब इस साइड से बुनेंगे तो दो फंदे उल्टे बुनेंगे, और जब एंड में पहुंचेंगे तो दो फंदे ये सीधे हो जाएंगे। तो ये दो फंदे हमारे साइड में चलते जाएंगे एक्स्ट्रा। तो मैं पूरी सिलाई आपको बुनती हूँ फिर बताती हूँ। तो ये अब मैं बुनते बुनते एंड में पहुंच गई हूँ। तो फिर से हम ऐसे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, तीन सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर तीन सीधे, लास्ट में तीन फंदे बचे हैं। तो उसमें उन्हें हमने कैसे बुनना है
एक फंदा उल्टा और दो फंदे सीधे। तो ये दूसरी सिलाई थी जो मैंने फंदे बढ़ाने के बाद डाली है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो दो सिलाइयाँ डली हैं, यहाँ पे हमारी ये एक पहली वाली सिलाई जो थी वो इस साइड मिस हो गई है, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ऐसे ही डालना है ये दोनों साइड इसके फंदे। एक साइड हमने 26 फंदे बढ़ाए थे और दूसरी साइड हमने 24 बढ़ाए थे, ताकि जो पैटर्न की कंटिन्यूटी है वो बनी रहे और पैटर्न में जो था वो कोई वो ना आए, जो उसकी कंटिन्यूटी है वो ना टूटे। तो इसलिए एक साइड हमने 26 डाले हैं, एक साइड 24 डाले हैं। अब टोटल फंदे जो हैं वो हमारे सिलाई पे हो गए हैं 111 फंदे। अब मैं इन फंदों 111 फंदों पे उसी पैटर्न की तरह बनाती जाऊंगी जब तक मेरी टोटल लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 10.5 ना हो जाए। तो यहाँ तक ये 8.5 थी, अब उसके ऊपर 2 इंच मैं और बुनूंगी, फिर 10.5 इंच हो जाएगी। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। फिर सेम इसी तरह हमने इसकी दूसरी साइड भी बना लेनी है, दोनों साइड सेम एक जैसी बनेंगी। दोनों साइड्स को बना के फिर हम देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। और ये वाली साइड जो होती है इसकी, ये सीधी साइड है इसकी, और ये वाली साइड जो है वो उल्टी साइड है। तो ये दोनों पोर्शन में बना के और ये इसको ऊपर 2 इंच और बुन के फिर मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये मैंने बुन दिया है इसके ऊपर, जो यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाए थे तो इसके ऊपर मैंने फिर ये यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच था, यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 8.5 इंच था। उसके ऊपर मैंने फिर 2 इंच और बुना, तो अब ये 10.5 इंच जो है वो लेंथ हो गई है। तो इसी तरह मैंने ये दो पीसेस सेम एग्जैक्टली सेम इस तरह बना दिए हैं ये। तो ये दो पीसेस हमारे बन गए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसमें आप देखिए कि ये जो हमने ये बुना है ये बाजू है उस किमोनो जैकेट की। तो ये बाजू है और ये इसमें एक से जो है एक बाजू, लेफ्ट बाजू और लेफ्ट फ्रंट और बैक, हाफ बैक बनती है, और दूसरी से राइट बाजू, राइट फ्रंट और हाफ बैक बनेगी। तो अब इसमें हमने आगे क्या करना है, तो पहले हम एक जो है वो पोर्शन ले लेंगे इसका। अब इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हमने शेप देनी है फ्रंट की। तो देखिए अब मैं लेफ्ट फ्रंट वाला जो पोर्शन है वो बुनने वाली हूँ। तो इसमें मैंने क्या करना है कि जो उल्टी साइड है उसको हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो रॉन्ग साइड को फेस करते हुए हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि जो राइट फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट होगी वो ऑपोजिट होती हैं एक दूसरे के। तो एक को हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे को राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये फिर हमने अब जो लेफ्ट फ्रंट बना रही हूँ तो इसको रॉन्ग साइड को फेस कर रही हूँ, उल्टी साइड को मैं फेस कर रही हूँ। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो अब मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, लेफ्ट साइड बना रही हूँ, रॉन्ग साइड उल्टी साइड को फेस कर रही हूँ, और हमने कैसे बुनना है। जो ये उल्टी सिलाई है उसमें पहले हमने एक फंदा जो है वो कास्ट ऑफ कर देना है इस तरह से, ये इस तरह से कास्ट ऑफ कर दिया, और बाकी पैटर्न हमने वैसे ही चलाते जाना। आपने देख लेना है कि पैटर्न जो है कहाँ से अब चलेगा, तो वैसे ही बुनना है पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये अब मैं बाकी पूरी सिलाई जो है इसी तरह पैटर्न की बुन दूंगी। तो देखिए ये इस सिलाई के मैं अब लास्ट में पहुंच गई हूँ। तो फिर से 3 सीधे, 1 उल्टा, 3 सीधे, 1 उल्टा और एंड में 2 बचे हैं, उन 2 फंदे बचे हैं, इनको हमने सीधे बुनने हैं। तो अब ये तो हमने स्टार्टिंग में जो थी सिलाई उसमें हमने एक फंदा यहाँ पे, ये देखिए एक फंदा जो है यहाँ पे मैंने ये घटा दिया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद फिर अब जो मैं सिलाइयाँ डालूंगी, तो अब जो सीधी साइड सिलाई आएगी मेरी सीधी साइड से, उसको मैं पहली सिलाई गिनूंगी
तो फिर पैटर्न वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे हमारा चलता आया है, पैटर्न को हमने नहीं छेड़ना है। और अब मैंने क्या करना है कि इस फंदे घटाने वाली सिलाई के बाद तीन सिलाइयां मैंने पैटर्न की डालनी है, फिर चौथी सिलाई जो है उल्टी साइड आएगी उसमें मैंने फिर फंदा घटाना है उल्टी इस साइड को, जहां पहले घटाया था वहां पे मैंने फंदा घटाना है। तो इस सिलाई को जिसमें मैंने फंदा पहले घटाया था उसको नहीं गिनेंगे, उसके बाद हर चौथी सिलाई में जो उल्टी साइड की सिलाई होगी चौथी सिलाई उसमें मैंने एक एक फंदा घटाना है 6 बार। ये आप नोट कर लीजिए जैसे मैं बता रही हूँ कि अब हमने फंदे किस तरह कास्ट ऑफ करने हैं या घटाने हैं। तो इस साइड ही फंदे घटेंगे, तो इस सिलाई जो मैंने अभी डाली थी उल्टी साइड वाली उस सिलाई को छोड़कर फिर हमने चौथी सिलाई में, अब जो अगली सिलाई इसको पहली गिनूंगी फिर उल्टी को दूसरी फिर सीधी फिर उल्टी, जो चौथी सिलाई उल्टी आएगी उसमें मैंने फिर फंदा घटाना है। तो इस तरह हमने हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा इस साइड घटाना है 6 बार। फिर उसके बाद 6 बार घटाने के बाद फिर सीधी सिलाई हम डालेंगे, फिर जो उल्टी सिलाई आएगी तो फिर हम हर उल्टी सिलाई में इस साइड हमने एक एक फंदा घटाना है 10 बार। ये आप बड़े ध्यान से आप चाहे नोट कर लीजिए क्योंकि बीच में फिर मुझे कुछ और भी बताना है आपको, तो फिर मैं बार बार नहीं बताऊंगी फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो फिर अभी आपको बता रही हूँ कि अभी हर चौथी सिलाई में इस साइड फंदा घटाना है, फिर उसके बाद हर उल्टी सिलाई में इस साइड फंदा घटाएंगे, हर चौथी सिलाई में जो घटाना है वो 6 बार घटाना है, फिर 6 बार घटाने के बाद हर उल्टी सिलाई में 10 बार घटाना है इसी साइड, फिर उसके बाद दो दो फंदे घटाने हैं उल्टी साइड में, हर उल्टी साइड में दो दो फंदे घटाने हैं 4 बार। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि पहले हमने एक एक फंदा घटाना है, इस फंदे को घटाने के बाद एक एक फंदा घटाना है हर चौथी सिलाई में 6 बार, फिर हमने हर उल्टी सिलाई में फंदा घटाना है 10 बार, फिर हमने हर उल्टी सिलाई में दो दो फंदे घटाने हैं 4 बार। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया कि हमने किस तरह ये इस साइड के फंदे जो है वो घटाने हैं। और फिर एक चीज़ हम और करेंगे कि अभी तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे पर साथ में हमने एक ध्यान रखना है कि जब हमारी जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक बुनते बुनते जो जिस साइड हमने फंदे घटाने शुरू किए हैं उस साइड तो वैसे ही जैसे जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है फंदे घटाने वैसे घटाते रहेंगे, पर जब हमारी जो लेंथ है वो यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक 11.5 इंच हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। इस साइड में हमने बिल्कुल नहीं करना, फिर सेंटर में फंदे फिर घटाए जाएंगे कॉलर की शेप देने के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे घटाने हैं और हमने फिर क्या करना है। तो जो मैंने ये ऑर्डर बताया है ये तो आप वैसे ही फॉलो करते जाएंगे, पर साथ में बीच में हमने कुछ और भी करना है, वो मैं 11.5 इंच जब मेरी लेंथ हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मेरे कितनी बार फंदे घटे थे और फिर बीच से हमने किस तरह करना है। तो मैं 11.5 इंच तक बुन के आपको फिर बताती हूँ। तो ये देखिए अब इसकी जो लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेटली 11.25 हो गई है, ये देखिए। तो ये 11.25 इसकी लेंथ हो गई है। अब मैंने इसके बाद क्या करना है, तो ये हम बुन रहे हैं लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट बाजू और लेफ्ट पल्ला, बायां बाजू और बायां पल्ला। तो इसमें अब हमने सीधी साइड को फेस करते हुए ये हमारी हम सीधी साइड को फेस करेंगे, और जिस साइड मैंने फंदे घटाने शुरू किए हैं इस साइड तो हमने जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया है वैसे ही फंदे घटाते जाएंगे। तो जिस ये जो साइड मैंने जिस साइड फंदे घटाए हैं ये हमारा बनेगा लेफ्ट साइड का फ्रंट पल्ला, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि बैक को अलग करना है और बीच से हमने
गले की जो शेप है वो देनी है यहाँ से, और बैक को हम अलग करेंगे। तो जब हमने लेफ्ट पल्ले में से बैक को अलग करना है तो सीधी साइड से हम स्टार्ट करेंगे। तो 11.25 इंच जब आपका हो जाए, तो अगर आपको लगे कि एक आधी अगर उल्टी साइड को फेस कर रहे हैं तो उल्टी सिलाई को बुन के फिर आप सीधी साइड आए, थोड़ा ऊपर नीचे कुछ पॉइंट्स का फर्क पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं जो है वो 11.25 इंच के बाद सीधी साइड को फेस कर रही हूँ, और मैंने जो है वो 55 फंदों को मैंने बुनना है पैटर्न के साथ। जब मेरे 55 फंदे हो जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो पैटर्न को वैसे ही कंटिन्यू करना है, वैसे ही पैटर्न हमने बनाते जाना है। 55 फंदे जो हैं वो पैटर्न के साथ बुन लिए हैं सीधी साइड को फेस करते हुए। जिस साइड हमने फंदे घटाने शुरू किए थे वो उस साइड से नहीं शुरू करेंगे, तो अपोजिट साइड से करेंगे और सीधी साइड हम फेस करते हुए। तो ये 55 फंदे बुनने के बाद मैंने क्या करना है, अब 5 फंदे मैंने कास्ट ऑफ करने हैं, बंद करने हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये अब 5 फंदे मैंने कास्ट ऑफ कर दिए। अब बाकी की सिलाई जो है वो मैं पैटर्न में पूरी डाल दूंगी। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई जो है वो पैटर्न में डाल दी है। अब देखिए ये जो मैंने ये 55 फंदे जो बुने थे ये तो रखेंगे हम बैक के लिए, ये मैं रख दूंगी इनको स्टिच होल्डर, या आप किसी धागे में भी रख सकते हैं, या इनको ऐसे ही साइड में रहने दीजिए। आप फिर इन फंदों पे अब हम काम करेंगे, जो 5 फंदे ये बीच के घटाए हैं इनके इस वाले के पीछे 55 फंदों को छोड़कर बाकी के अब हम आगे के फंदों पे काम करेंगे। तो ये हमारा जो है वो पल्ला होगा फ्रंट का, लेफ्ट पल्ला बाई ओर का पल्ला होगा। अब इसको हमने शेप करना है, तो यहाँ से तो हमने शेप करना स्टार्ट कर दिया है। ये जो मैंने फंदे घटाने शुरू कर दिए हैं, तो जो स्टार्टिंग में हमने फंदे घटाने शुरू कर दिए हैं वो तो आपने वैसे ही घटाने हैं जिस हिसाब से मैंने आपको बताए हैं। और इस साइड भी अब हमने शेप देनी है, तो इस साइड हमने क्या करना है, हर सीधी सिलाई में फंदा घटाएंगे 21 बार, और इस साइड वैसे ही घटाते जाना है। फिर मैं आपको एक बार आपके सामने करके बताऊंगी कि अभी उल्टी सिलाई आई है तो इस साइड जो घटानी है वो उल्टी साइड से घटानी है। तो एक फंदा घटाऊंगी हर, ये अभी हम चौथी सिलाई में, हर चौथी सिलाई में एक फंदा घटा रहे हैं, तो ये मैं दूसरी बार घटाने वाली हूँ हर चौथी सिलाई के हिसाब से। तो ये मैंने एक फंदा और घटा दिया, ये 2 बार मैं हर चौथी सिलाई के हिसाब से 2 बार घटा चुकी हूँ। एक तो स्टार्टिंग में घटाया था, फिर उसके बाद एक बार और घटा चौथी सिलाई में, फिर से घटाया, फिर से अब चौथी सिलाई में मैं घटा रही हूँ। तो ये हमने हर चौथी सिलाई में 6 बार घटाने हैं, तो अभी मैंने 2 बार घटाए हैं। तो ये वैसे ही हमने करते जाना है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर हमने अब इसके साथ, इस घटाई के साथ साथ हमने इस साइड भी घटाई डालनी है पल्ले के इस साइड भी। तो ये इस साइड की तो बहुत सिंपल है कि हर सीधी सिलाई में हमने एक एक फंदा जो है वो घटाते जाना है। तो ये मैंने घटा दिया फंदा, अब पैटर्न की कंटिन्यूटी को हम रखेंगे सेम, और एंड तक मैं पूरी सिलाई को प्लेन जैसे पैटर्न डाला है वैसे ही बुनते जाऊंगी।
तो ये देखिए अब उल्टी सिलाई जो है ये मेरी कंप्लीट हो गई है, अब सीधी सिलाई आएगी। अब यहाँ इन फंदों को जो 55 फंदे हैं इसको हम एक साइड में, आप चाहें तो किसी धागे में रख लें या स्टिच होल्डर में, नहीं तो चाहें तो इसी सिलाई पे रहने दें और फिर इन फंदों पे हम काम जैसे मैंने आपको बोला था वो करेंगे। अब हमने शेप देनी है पल्ले की, तो अब हमने क्या करना है, जैसे आपको बोला कि सीधी साइड से भी हमने हर सीधी सिलाई में एक फंदा घटाते जाना है 21 बार। तो ये एक फंदा सीधा बुना, फिर दूसरा फंदा बुना और ये फंदा हमने घटा दिया और फिर बाकी पैटर्न हमने पूरी सिलाई वैसे ही बुननी है सीधी साइड से। तो ये सीधी सिलाई बुनने के बाद फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे और उल्टी साइड से वैसे हमने घटाई डालनी है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि हर चौथी, पहले हमने स्टार्टिंग में जो जब हमारी जो लेंथ थी 11.25 हो गई उसके बाद हमने ये फंदे घटाने शुरू किए। तो स्टार्टिंग में तो हमने उल्टी सिलाई में पहला फंदा स्टार्टिंग में घटा दिया था, उसके बाद हर चौथी सिलाई में जो चौथी सिलाई है वो उल्टी सिलाई आनी चाहिए, तो हर चौथी सिलाई में जो इसके बाद सीधी सिलाई बुनी हमने उसको हम पहली सिलाई गिनेंगे। तो फिर हर चौथी सिलाई में हमने एक एक फंदा घटाना है 6 बार। तो जब ये अभी मैंने 2 बार घटाया है आपके सामने, फिर जब 6 बार हो जाएंगे तो हर उल्टी सिलाई में मैं एक एक फंदा घटाऊंगी 10 बार, फिर उसके बाद दो दो फंदे घटाऊंगी हर उल्टी सिलाई में 4 बार। तो ये मैंने आपको बता दिया है, मैं लिख के भी आपको बता दूंगी तो आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखा होगा तो वो फिर आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं अपने सामने। तो ये वाली घटाई इस तरह डालनी है कि पहले एक फंदा हमने उल्टी साइड से घटाया, फिर हर चौथी सिलाई में जो कि हमारी उल्टी सिलाई होगी उसमें हमने एक एक फंदा उल्टी सिलाई के स्टार्टिंग में घटाना है 6 बार, फिर उसके बाद हर उल्टी सिलाई में हमने एक एक फंदा घटाना है 10 बार, फिर उसके बाद हर उल्टी सिलाई में हमने दो दो फंदे घटाने हैं 4 बार। तो ये इस साइड की घटाई तो इस तरह डलेगी, ये जो मैंने स्टार्ट कर चुकी हूँ। और जब गले के फंदे बीच से घटाने के बाद फिर हम यहाँ पे हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा घटाते जाएंगे 21 बार। तो जब ये दोनों तरफ की घटाई होती जाएगी तो एंड में हमारे पास 5 फंदे बचेंगे। तो मैं ये इतना बुन के फिर आपको बताऊँगी कि हमने आगे कैसे करना है और क्या करना है। तो ये मैं इतना आपको बुन के फिर मैं बताती हूँ। तो देखिए ये जो मैं जिस साइड फंदे घटा रही थी दोनों साइड से, अब इस तरह से ये शेप बनी है और ये लास्ट में हमारे जो है वो 5 फंदे बचे हैं। तो ये मैंने यहाँ से 21 बार जो फंदे घटाए थे एक एक करके, और फिर यहाँ से तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने घटाने शुरू किए थे उल्टी साइड से, तो वो मैंने फिर घटाए तो इस तरह की ये शेप बनी। और ये वाले जो 5 फंदे बचे हैं ये हम इसी तरह रहने देंगे। और ये जो हमारी 55 फंदे थे जो मैंने बैग के लिए रखे थे इन पे हमने बुनना है, पैटर्न यही रिपीट करते जाएंगे। और इसके बाद हमने इसके ऊपर 18 सिलाइयाँ या 2.25 इंच जो है वो और बुनना है। तो ये मैं अब इसके बाद यहाँ तक बुन के इसके ऊपर मैं धागा जोड़ दूंगी, यहाँ पे ये बैक से धागा जोड़ूंगी और फिर मैं इस पे 2.25 इंच और बुन दूंगी या 18 सिलाइयाँ और डाल दूंगी, मतलब जितना भी आप डालें जितनी भी सिलाइयाँ उसकी जो लेंथ है इसके ऊपर 2.25 इंच होनी चाहिए। तो मैं ये बाद में ये अब बुनूंगी। और इसी तरह हम दूसरी साइड से लेंगे। तो अब इसी तरह मैं बनाऊंगी इसका राइट फ्रंट और जो राइट वाली बाजू है और फिर बैक का हाफ पोर्शन। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो मैंने लेफ्ट फ्रंट बनाई थी उसमें रॉन्ग साइड उल्टी साइड फेस करके मैंने फंदे घटाने शुरू किए थे, इसमें क्या करना है हमने जो सीधी साइड है उसको फेस करते हुए, जब ये हमारी जो लेंथ है ये 10.5 इंच हो गई थी तो उसके बाद अब हमने कैसे करना है कि ये स्टार्टिंग में मैं सीधी साइड को फेस करते, क्योंकि ये अब राइट साइड है उसमें जो लेफ्ट साइड थी उसमें उल्टी साइड को फेस करते हुए घटाया था और इसमें राइट साइड को फेस करते हुए घटाएंगे। तो एक
फंदा मैं यहाँ पे घटा दूंगी और बाकी पूरी सिलाई जो है वो मैं पैटर्न की के साथ एंड तक बुन दूंगी। फिर ये एक फंदा घटाया यहाँ पे, फिर मैंने इसके बाद हर चौथी सिलाई पे जो इस साइड चौथी सिलाई आएगी वो आएगी सीधी साइड को, तो हर चौथी सिलाई में मैं फिर एक एक फंदा घटाऊंगी 6 बार। एक फंदा ये घटाया, फिर से आपको रिपीट करती हूँ, एक फंदा ये घटाया, अब इसके बाद हर चौथी सिलाई पे मैं एक एक फंदा घटाऊंगी 6 बार, फिर उसके बाद हर सीधी सिलाई पे मैं एक एक फंदा घटाऊंगी 10 बार, फिर हर सीधी सिलाई पे दो दो फंदे घटाऊंगी 4 बार। मतलब जो वैसे ही उसी हमने हिसाब से घटाना है जैसे हमने लेफ्ट साइड में घटाया था, पर उसमें हमने उल्टी साइड में की तरफ घटाया था, इस साइड इसमें हमने सीधी साइड की तरफ घटाना है। और बीच में जब ये वाले फंदे घटाते घटाते मैं मेरी जो लेंथ है वो 11.25 इंच हो जाएगी, तो फिर मैं बीच में वैसे ही बैक के फंदे जो हैं वो सेपरेट कर दूंगी 5 फंदे सेंटर के घटा के, तो मैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो पहले मैं 11.25 इंच बुन के और साथ में 11.25 इंच बुनते बुनते ये वो हमने वैसे ही घटाने हैं जैसे आपको बताया। तो देखिए अब ये जो ये मेरी लेंथ है ये 11.25 इंच हो गई है, नीचे से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 11.25 है लेंथ। अब हमने क्या करना है, जैसे उस वाले में पिछली वाले में मैंने बीच में 5 फंदे घटाए थे और बैक को सेपरेट कर दिया था, वैसे ही इसमें करना है। तो इसमें हमने जैसे ये इस साइड हमारी जो है वो घटाई चल रही है तो हम शेप दे रहे हैं, तो हमने अब जैसे और एक चीज़ का आप और ध्यान रखें कि हमारा जब दूसरा फंदा हर जैसे हर चौथी सिलाई में हम फंदा घटा रहे हैं, जब हम दूसरी बार फंदा घटाने लगते हैं तो हमारी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो लेंथ 11.25 इंच होती है। उसमें भी जब मैं दूसरा फंदा घटाने वाली थी तब उस लाइन में हमारी जो लेंथ थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पर पहले तो सबसे पहले एक फंदा घटा दूँगी, यहाँ पे हमने फंदे इस साइड जो फंदे घटाने हैं वो जिस तरह मैंने आपको बताया उसी हम पैटर्न से फंदे घटाते जाएंगे, और फिर बीच में हमने 5 फंदे घटाने। तो अब हमने क्या करना है, उस वाले में 55 फंदे मैंने स्टार्टिंग में रख लिए थे बैक के लिए, इसमें क्योंकि उसमें जो घटाई थी वो उल्टी साइड से थी, अब इसमें घटाई इस साइड है तो इसमें हमने ये जो पैटर्न में एक फंदा घटा के पैटर्न में तब तक बुनते जाना है जब तक हमारे पास यहाँ पे 60 फंदे ना रह जाए। जब 60 फंदे रह जाएंगे तब फिर जब तक 60 फंदे रह जाएंगे छब्बीस 25 26 27 28 29 और ये 30, तो ये अब इस सिलाई में मेरे पास 60 फंदे रह गए हैं। अब हमने क्या करना है कि 5 फंदे हमने घटा देने हैं, ये एक फंदा बुना दूसरा बुना और ये हमने घटा दिया एक फंदा, फिर ये दूसरा फंदा घटाया, ये तीसरा फंदा घटाया, ये चौथा और ये पांचवा, तो ये 5 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए। और अब हमारे अब ये वाला फंदा हम इस साइड वाली सिलाई में रख देंगे इस वाली में, और ये देखिए अब ये हमारे 55 फंदे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और ये अब हमारे ये 55 फंदे जो हैं ये हमने बैग के लिए रख देने हैं। और फिर हमने अब इन फंदों पे हमने काम करना है, तो ये धागा यहाँ पे मैं कट कर दूंगी, यहाँ पे ये 55 फंदे रख के अब इन फंदों पे काम करना है, तो अब यहाँ पे मैं फिर से धागा जोड़ दूंगी।
अब देखिए फिर से, अब इसमें हमने क्या करना है, जो ये वाले फंदे हैं इन पे हमने किस तरह करना है कि हर उल्टी सिलाई में हमने, हर उल्टी सिलाई के स्टार्टिंग में हमने एक एक फंदा घटाना है 21 बार, और इस साइड हमने वैसे ही घटाते जाना है कि पहले हमने एक फंदा घटाया था, उसके बाद हर चौथी सिलाई में 6 बार फंदे घटाने हैं, चौथी सिलाई सीधी साइड से पहले हमने एक फंदा घटाया था, और फिर हर चौथी सिलाई में हमने स्टार्टिंग में एक एक फंदा घटाना है 6 बार, फिर हर सीधी सिलाई में हमने एक एक फंदा घटाना है 10 बार, फिर हर सिलाई में हम की स्टार्टिंग में, सीधी सिलाई की स्टार्टिंग में हमने दो दो फंदे घटाने हैं 4 बार। तो ये 2 बार मैं चौथी सिलाई में घटा चुकी हूँ, और इस साइड हमने 21 बार हर सिलाई की उल्टी सिलाई की स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें हमने किया था कि उसमें सीधी साइड हमने 21 बार एक एक फंदा घटाया था इस बार, और उल्टी साइड हमने जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं वो किया था। तो इसमें अब उल्टी साइड से हम घटाएंगे, और ये जब हम घटाएंगे तो लास्ट में हमारे पास इस जगह, इसमें भी जो है वो 5 फंदे बचेंगे। तो यहाँ पे मैं फंदे ये जोड़ देती हूँ, उल्टी सिलाई हम बुन रहे हैं, तो ये मैंने धागा जोड़ दिया और एक फंदा जो है वो बुन दिया। अब एक फंदा और बुना है और ये फंदा मैंने घटा दिया, और बाकी सिलाई फिर हमने जैसे पैटर्न की बुनी है वैसे ही बुनते जाना है। तो अब हमने क्या करना है कि जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया वैसे फंदे घटाते जाना है इस साइड, और जैसे हर चौथी सिलाई और फिर हर सिलाई में घटाए थे घटाने हैं फंदे, वैसे जो मैंने पैटर्न इस साइड के लिए बताया है वैसे इस साइड हमने घटाते जाना है, और इस साइड हमने हर उल्टी सिलाई की स्टार्टिंग में एक एक फंदा, और इस साइड में हर सीधी सिलाई में जिस तरह बताए हैं मैंने वैसे हमने फंदे घटाते जाना है, और यहाँ पे भी हमारा ये लास्ट में 5 फंदे रह जाएंगे, और ये जो हमारे 55 फंदे हैं बैक के, ये भी मैं बुनूंगी 2.25 इंच इसके ऊपर मैं और बुनूंगी पैटर्न में। तो उसको जो मेरा लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको, और इसको मैं कंप्लीट इतना इतना कंप्लीट करके फिर आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो देखिए ये मैंने दोनों जो पोर्शंस हैं हमारे उसमें मैंने ये शेप जो है वो दे चुकी हूं मैं, ये देखिए। तो ये मैंने जो हमारी राइट साइड है उसमें भी मैंने ये शेप दे दी है, और ये जो लेफ्ट साइड थी उसमें भी मैंने ये शेप दे रखी है। तो ये दोनों तरफ से जैसे ये मैंने ऐसे फंदे घटाए थे तो वो घटाते गए हम, और फिर जब 5 फंदे रह गए थे तब छोड़ दिया था। उसके बाद फिर जो 55 फंदे मैंने ये छोड़े थे, ये देखिए इस तरह मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ऐसे बताती हूँ, ये हमने यहां से ये देखिए तो ये मैंने यहां से बुनना शुरू किया था, यहां से बुनते हुए मैं ऐसे ऊपर आई थी, तो यहाँ पे जैसे ये 8.5 इंच यहां तक बुना था, फिर दोनों तरफ फंदे बढ़ाए थे, फिर मैंने इसको ऊपर से 2 इंच और बुन के जब लेंथ मेरी थी 10.5 इंच हो गई थी, फिर मैंने क्या किया था कि यहाँ से शेप देनी शुरू कर दी थी, यहाँ से ये देखिए यहाँ से जब 2 इंच 10.5 इंच हो गई थी लेंथ, तो यहाँ से मैंने ये शेप देनी शुरू कर दी थी। तो फिर जब शेप दोनों तरफ से दे दी तो ये 5 फंदे बच गए थे, और बीच में जब 11.25 इंच
हुई थी तो मैंने बीच से फिर गले की कॉलर के लिए ये फंदे बीच से घटाए थे और 55 फंदे जो थे वो मैंने फिर अलग से सेपरेट सिलाई पर रख दिए थे। तो जब ये फिर मैंने फ्रंट के जो पल्ले की शेप दे चुकी और 5 फंदे जो ये मेरे बचे थे, ये वाले 5 फंदे जो बचे थे इसको फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर जो 55 फंदे मैंने सिलाई पे रखे थे सेपरेट से उसको ऊपर बुना, उसको मैंने ऊपर फिर 2.25 इंच और बुना था। तो यहाँ तक ये 11.25 इंच था जहाँ मैंने ये फंदे गले के ये घटाए थे, ये वाले 5 फंदे जो मैंने घटा के रखे थे। उसके बाद मैंने ये ट्रायंगल सा जो था फ्रंट पल्ले की शेप दी, फिर बैक में मैंने फिर 11.25 के ऊपर मैंने 2.25 इंच और बुना। तो ये अगर आप यहाँ से नीचे से नापेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ थी, ये देखिए यहाँ से ये नीचे से लेके यहाँ जो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से यहाँ तक ये लेंथ अगर आप नापेंगे तो 13.5 इंच होनी चाहिए। 11.5 इंच यहाँ पर और फिर 2.25 इंच मैंने ऊपर और बुना था। तो ये टोटल लेंथ जो थी वो 13.5 इंच बन गई थी। फिर ये मैंने फंदे जो हैं, अब क्या करना है, जो ये 55 फंदे हैं इनको मैं अब कास्ट ऑफ कर दूंगी यहाँ पे इस वाले पोर्शन में भी। अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ, अभी ऐसे पता नहीं लग रहा कि ये क्या चीज़ है, पर अब जब रखूंगी मैं तब आपको फिर थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये देखिए ये ऐसे है, अब जितना कैमरे में आता है उतना मैं दिखाने की आपको कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए ये बैक हाफ बैक ये है, तो ये देखिए ये हाफ बैक ये इस साइड है, ये देखिए ये हाफ बैक ये है और हाफ बैक ये बनी है। और दो पोर्शन में मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि दो पोर्शन में ये जो किमोनो जैकेट है दो पोर्शन में बनती है, और ये इसके जो फ्रंट के पल्ले हैं वो बने हैं जो हमने ट्रायंगल से दोनों तरफ से शेप दी थी जिनको, और जो स्टार्टिंग थी वो हमारी जो थी वो बाजू से हुई थी। तो दोनों बाजुएं ये हैं। तो अब इसमें हमारा क्या काम रह गया है कि पहले तो जो है वो मैं ये बीच के जो बैक के हाफ के जो फंदे हैं ये दोनों सिलाइयों के घटा दूंगी और फिर इनको मैं बैक से सिल दूंगी। पहले एक हमने ये सिलना है, फिर उसके बाद ये बाजुओं की सिलाई मैं दे दूंगी यहाँ पे, ये देखिए ये बाजुएं आपस में ऐसे सिल दूंगी, फिर इनकी मैं साइड सिल दूंगी, जैकेट की जो साइड है वो आपस में ऐसे मैं सिल दूंगी ये। फिर उसके बाद जब ये हमारा सारा असेंबल हो जाएंगे दोनों पार्ट्स, फिर हमने क्या करना है, राइट साइड को फेस करते हुए हमने यहाँ से मिडल ऑफ जो नेक है हमारी, ये जो नेक की जो मिडल है जहाँ पे हमने ये दोनों पोर्शन जोड़े हैं, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे और यहाँ से फिर उठाते हुए ऐसे को उठाते हुए और ये 5 फंदे जो बचे इनको भी साथ में लेंगे और इस तरह से यहाँ से और फिर ये बैक के नीचे से बैक के हाफ बैक तक, ये आप ये देखिए जो नेक का ऊपर का हाफ है जहाँ पे हम जोड़ रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और फिर यहाँ से उठाते हुए फंदे सारे मैं उठाऊँगी 11 नंबर की सिलाइयों पे और ये फिर पल्ले के उठा दूँगी। पहले ऐसे करती हूँ मैं आपको सिल के, फिर ये आपके सामने रखूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊँगी कि फिर फंदे हमने किस तरह उठाने हैं और कितने उठाने हैं। तो ये मैं सारा सिल के फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो दो पीसीस थे इसके जैकेट के वो मैंने यहाँ सेंटर में ये सिल दिए हैं, ये मैंने सुई से सिले हैं। आप चाहें तो सिलाई से भी जोड़ सकते हैं, पर सिलाई में एक बात होती है कि जब हम ये वाले पीसेस जो हैं वो सिलाई से जोड़ेंगे सिलाइयों से, तो फिर उसमें आपकी ये जो मैंने पैट कोशिश करी है कि सुई से हमारी जो ये रिब्स हैं ये रिब के साथ रिब मिले, तो फिर सिलाइयों से आप जोड़ोगे तब ये नहीं मिलेंगी, क्योंकि सुई से तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये
दोनों पार्ट्स जो हैं, जो यहाँ पे ये चार फंदे होंगे तो दूसरी तरफ दो होंगे, और इसके इस वाली साइड के दो फंदे इस तरफ को हैं, चार फंदे उस तरफ को हैं। तो ये फिर जब सुई से सिलते हैं तो थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करके फिर ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिलाई से भी जोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर ये मैंने यहाँ पे जोड़ दी है सिलाई से, सुई से सॉरी, और बाजू की भी सिलाइयाँ दे दी मैंने, ये साइड से सिल दी बाजू है, और साइड से ये फिर मैंने ये यहाँ से ये जैकेट की भी सिलाइयाँ दे दी हैं, ये देखिए, और ये बाजू भी मैंने साइड से सिल दी है। तो पूरा सिलने के बाद देखिए अब इसकी लुक बनती है। फिर मैंने क्या किया कि ये जोड़ने के बाद फिर मैंने राइट साइड को फेस करते हुए जैसे ये जैकेट पकड़ी यहाँ से, और जो बैक की हाफ था जहाँ से ये मैंने सिलाई से जोड़ी थी, दोनों बैक दोनों पोर्शन जो थे वो बैक के जोड़े थे और बैक बनाई थी, वहाँ से मैंने फिर फंदे उठाए, और ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ से होते हुए ये नेक की जो बैक थी यहाँ से स्टार्ट किया, और उठाते उठाते फिर ये जो हमारा ट्रायंगल सा पल्ला है इसका ये सारे उठाए ये, और फिर यहाँ से उठाते उठाते यहाँ तक जो बैक की नीचे वाला फिर जो जॉइंट था वहां तक फिर मैंने यहाँ तक ये फंदे उठाए हैं। तो मैं एक बार आपको रख के बता देती हूँ कि कैसे कैसे मैंने उठाए। तो ये देखिए ये वाले तो मैंने जो लेफ्ट फ्रंट के थे, लेफ्ट वाली साइड के फंदे थे वो मैंने यहाँ से उठाने शुरू किए, हमने हमेशा राइट साइड को फेस करते हुए उठाने हैं, तो यहाँ से उठाते उठाते ये यहाँ से गले से उठाते, और ये वाला फिर ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और फिर ये यहाँ से, और फिर ये बैक हाफ बैक तक यहाँ तक ये मैंने फंदे उठाए हैं, और ये उठाए हैं मैंने 182 फंदे। और इसी तरह अब मैं दूसरी साइड के जो हमारा राइट फ्रंट है वो उसके फंदे उठाऊंगी, तो वो मैं उठाऊंगी बैक के यहाँ से, जो बैक का जॉइंट है, जो लेफ्ट फ्रंट वाले थे वो नेक के जॉइंट से उठाने शुरू किए थे हमने, और जो हमारा राइट वाला है साइड के फंदे उठाएंगे वो हम जो बैक का ये वाला जॉइंट है नीचे का यहाँ से हम उठाएंगे, वो वाले बैक से उठाए थे नेक के जॉइंट से, और ये वाले हम उठाएंगे बैक से। और हमेशा ये याद रखना है कि हमने सीधी साइड को फेस करते हुए फंदे उठाने हैं, तो यहाँ से उठाते उठाते और यहाँ से फिर उठा के ये उठाकर यहाँ से फिर ये और यहाँ तक, ये यहाँ तक हमने उठाते जाना है, और ये भी हमने 182 फंदे उठाने हैं। और ये जो फंदे हैं ये मैंने सर्कुलर नीडल से पे उठाए हैं, क्योंकि 182 फंदे बहुत ज़्यादा थे, तो वो दूसरी सिलाई में उठाने मुश्किल हो रहे थे और मैनेज भी नहीं होते, तो इसलिए फिर हम सर्कुलर नीडल्स का यूज़ करते हैं। और फिर 182 फंदे उठा के फिर 8 सिलाइयाँ हमने उसकी स्टॉकिनेट स्टिच की, एक सीधी एक उल्टी जो है वो बुनी है, तो सीधी साइड से हम उठाएंगे फिर पहले उल्टी सिलाई फिर सीधी उल्टी सीधी, इस तरह से 8 सिलाइयाँ हम डालेंगे और फिर हम फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर देंगे। और जब हमारा इस साइड का भी ये इस तरह का बॉर्डर सा बन जाएगा, ये देखिए जो ये वाला बॉर्डर बना है, जब ये दूसरी साइड का भी बन जाएगा तो हम इन बॉर्डर्स को यहाँ पे एक ये नेक के जॉइंट पे सिल देंगे, जोड़ देंगे दोनों साइड के बॉर्डर्स को, और ये फिर एक बैक के नीचे जो जॉइंट है यहाँ पे हम फिर जोड़ देंगे सुई से। तो ये करके इतना करके और बाकी कुछ नहीं, बाकी तो फिर साइड की सिलाई थी और बाजू की सिलाई थी वो सिल के आपको एक कब शेप पता चल गई है कि ये जैकेट किस तरह की बनेगी। बस इसमें अब हमें कुछ नहीं करना है, इस साइड का भी मैं बॉर्डर बुनूंगी फिर हमारे बटन लगाऊंगी, वो बटन मैं आपको बताऊंगी कहाँ जैसे लगाएंगे बनेगी। अब इसकी शेप जो है एग्जैक्टली ऐसी ही आती है, ये देखिए इस तरह से आएगी इसकी शेप। तो ये देखिए इस तरह से, अब मैं यहाँ से उठाते हुए यहाँ से मतलब उठाऊंगी मैं यहाँ से, और ये वाला जो बॉर्डर है यहाँ से फिर यहाँ तक हम बुनेंगे। तो ये जब मैं पूरा बुन दूंगी यहाँ जोड़ दूंगी फिर आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाई जाएगी। और इसमें जो ये देखिए ये जो साइड की सिलाई है वो सीधी नहीं आती है, इसकी ऐसे कुछ शेप ऐसे को जैसे अम्ब्रेला कट टाइप थोड़ा सा है वो ऐसे आती है ये जैकेट,
तो ये जैकेट फिर मैं अब आपको कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताऊंगी। और बहुत आसान जैकेट है देखने में, आप जो आप स्टार्ट करोगे तब आपको ऐसे लगेगा कि हम क्या क्या बुन रहे हैं और पता नहीं कैसे इसको, पर जब आप पूरी बन जाएगी और आपकी ये सिल जाएगी तब आपको इसकी पूरी जो शेप है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये मैं पूरा करके फिर आपको मैं बताती हूँ, इस साइड का भी बॉर्डर बुन के फिर आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए ये मेरी जैकेट जो है वो बन के कंप्लीट हो गई है। और यहाँ से ये देखिए, ये जो मैंने एक आपके सामने बुना था, बताया था आपको कि एक तो हमने इस साइड से फंदे उठा के इसका फिर बॉर्डर बुना था पल्ले का, यहाँ से उठाया था। और दूसरे का मैंने जो लेफ्ट हैंड वाला पल्ला था, लेफ्ट साइड वाला, उसका मैंने जो था यहाँ से उठाया था, बैक से, नेक की बैक का जो जॉइंट था वहाँ से उठाया था। और राइट वाले पल्ले का फिर फंदे जो उठाए थे हमने, वो उठाए थे ये जो बैक का ही नीचे वाला जो जॉइंट था वहाँ से मैंने उठाए, और ये हमारा पूरा बॉर्डर बन गया। फिर मैंने यहाँ से ये जो बुनी थी 8 सिलाइयाँ, उसकी स्टॉकिनेट स्टिच की एक सीधी एक उल्टी सिलाई जो बुनी थी वो मैंने यहाँ पे फिर जोड़ दी। जैसे हमने बैक की जहाँ पे सिलाई थी एक हमने नेक पे के ऊपर जॉइंट लगा दिया और एक हमने बैक में नीचे लगा दिया इस तरह से। और फिर ये बॉर्डर सा रोल हो रहा है हमारा और ये फिर जैकेट जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये है किमोनो जैकेट। तो ये आएगी 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए। और फिर यहाँ पे देखिए ये जो इसका राइट वाला पल्ला है, जो राइट वाला जो फ्रंट है हमारी, उसमें मैंने फिर ये लूप सी लगा दी है। ये तो ये आप आईकॉर्ड बना लीजिए, चाहे क्रोशिया की बनाइए चाहे सिलाइयों की बनाओगे। तो 2 फंदे वाली वो मैंने आपको बताई थी बनाने कैसे बनाते हैं, और क्रोशिया की अगर आप बनाओगे तो जैसे क्रोशिया की भी मैंने बताई है। तो फिर ये लूप बना के मैंने यहाँ पर अटैच कर दी यहाँ पर, और ये बटन लगाए हैं। ये एक बटन जो है वो ऐसे इस तरह सा शो के लिए है, और दूसरे बटन में फिर हम यहाँ पर ये लूप के साथ इसका ये बटन होल का काम करेगा। और ये फिर हमारी कंप्लीट जैकेट जो है वो बन गई है। तो अभी ये जो मैंने आपको जैकेट बनाई है इसके साथ मैं एक पूरी ड्रेस बना के आपको दिखाऊंगी। तो ये अभी ऊपर का जैकेट वाला पोर्शन था, फिर अंदर की जो ड्रेस है वो अब मैं नेक्स्ट जो है वो बताऊंगी इसके अंदर की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये जैकेट है वो पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर बनाएं आप, और अपने फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको ये जैकेट अच्छी लगी और ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके, और आप इंतज़ार कीजिए, ये ड्रेस मैं पूरी कंप्लीट करके आपको बताऊँगी, जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके, तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।